मैंने तो बहुत इन्जॉय किया क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल शो है हम लोगों के लिए. इट्स द 50th शो, तो जैसे गोल्डन जुबली शो कहा जाता है. सो एंड ग्रेट ऑडियंस वी हैड. तो आमिर खान जैसे कलाकार जब ऐसे किसी शो पे आता है तो सर कितना जो मनोबल बढ़ता है क्या? बिल्कुल एकदम बहुत बड़ी बात है. और आमिर वैसे बहुत सिंपल आदमी है. मैंने उनको मैसेज भेजा था और उन्होंने तुरंत कहा कि मैं ये प्ले देखना चाहूँगा. एंड ही केम एंड अ लॉट ऑफ पीपल. सुधीर मिश्रा केम, राजकुमार संतोषी केम, डेविड जी केम, रणवीर शोरी केम एंड अ नंबर ऑफ पीपल. कोमल नाहटा केम, सुनील वोरा केम. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग आए एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ ऑडियंस जो कि जिनको मैं जानता नहीं लेकिन वो लोग आए और उन्होंने एंजॉय किया. सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड दैट दिस हैज हैपेंड. सर सबसे अच्छा कम्प्लीमेंट क्या मिला आपको? किसने क्या कम्प्लीमेंट दिया? किसने सबसे बेस्ट जो दिया? जैसे राजकुमार संतोषी ने अभी इसके बारे में बोला कि ये है प्ले लेकिन इसमें क्लोजअप भी दिखता है, इसके अंदर लॉन्ग शॉट भी दिखता है, इसके अंदर मिड शॉट भी दिखता है. यानी कि ये इतना ज़्यादा इंगेजिंग है जैसे कि एक फिल्म इंगेजिंग होती है, इस तरीके से ये प्ले भी उनको इंगेजिंग लगा. दैट वॉज वेरी नाइस. क्या सर ये प्ले देख करके आमिर ने किसी ने इच्छा जाहिर की कि आपके साथ वो प्ले करना चाहेंगे? आमिर ने तो अभी कहा ही कि उन्होंने कहा, ये तो नहीं कहा कि वो मेरे साथ प्ले करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर में बिफोर ही बिकेम द हीरो ही टोल्ड मी अबाउट दैट ही स्टार्टेड विद थिएटर. तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने प्ले देखा और मुझे इतना अच्छा लगा दैट आई फील लाइक डूइंग थिएटर. सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी. थैंक यू.